अस्सलाम वालेकुम मेरे मोज़ेज़ सामईन, मैं आप सबका बहुत बहुत दिली तौर पे मशहूर हूँ। मैंने एक बहुत ही मस्बत इनिशिएटिव लिया जिसमें हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली उसके पर्सपेक्टिव में छोटा सा एक वीडियो क्लिप मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड किया। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर अपने सीनियर से, अपने कलीग से और इंडस्ट्री के जो लेजेंड्स हैं उनकी सुपरविजन में रहते हुए जो सीखा है, जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया है, उसको डिसिमिनेट करना शुरू करूं और हमारे माशरे के अंदर मस्बत रुझानात को उजागर करने की कोशिश करूँ। तो एक छोटा सा आर्टिकल जो मेरी नज़र से गुजरा, 4 बेसिक ह्यूमन नीड्स फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो कि रैंडी कॉनले ने लिखा था, उसके ऊपर मैंने बात की, जिसमें मैंने 4 जो बुनियादी उसकी नीड्स हैं ह्यूमंस की, जिसको बहुत ज़्यादा फोकस किया रिसर्चर ने, ऑथर ने, जो कि ट्रस्ट, होप, सेंस ऑफ जो बिलोंगिंगनेस है और कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसको हम रिलेट कर रहे थे वर्क के साथ, जिसमें रिकग्निशन रिवॉर्ड की बात हो रही थी। जो मेरी पहली वीडियो थी उसके जो रिस्पांस आया, मैं आपको बग़ैर किसी चीज़ को एग्जैजरेट किए हुए बड़ा ओपनली बता रहा हूँ, बहुत क्रिटिकली रिव्यू किया गया हर लेवल के ऊपर और बड़ा मस्बत फीडबैक था। मैं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया, मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी उसको हाईलाइट किया। और एक और बात, इस वीडियो को अप्रिशिएट भी बहुत किया गया। एक कमेंट जो था, जो मुझे तजवीज़ किया गया दोस्तों की तरफ से, मेरे सीनियर्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, प्रोफेसर्स की तरफ से, बिकॉज मैं अभी तक एकेडेमिया के साथ लिंक भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ और एज ए प्रैक्टिशनर काम भी कर रहा हूँ। वो ये था कि जब आप बात करें तो कोशिश करें कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, स्पेशली हम पाकिस्तान में हैं और आप जिस इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, आई मीन इन अ पॉजिटिव सेंस, आप हॉस्पिटैलिटी के जो वर्क फोर्स है, ज़्यादातर ये वर्कमैन कैटेगरी से या एसोसिएट कैटेगरी से हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं, उनके साथ आप उर्दू में बात करें, ताकि अगर आप उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ एजुकेट करना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से या ट्रेनिंग डिलीवरी के हवाले से, तो उसमें आप वो बात, वो लैंग्वेज यूज़ करें जो उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और तो उसके बाद मुझे फिर ये जब एक फॉलो अप के तौर पे फीडबैक आया, तो मैंने सोचा कि अब मैं दोनों तरीके के साथ, एक कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू में, उस पर भी बात करूँगा और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि जो हॉस्पिटैलिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जो नॉर्मली हम ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, मास्टर्स लेवल के ऊपर टीच भी करते हैं, उसके भी मैं जो बिट्स एंड पीसेस के अंदर ट्यूटोरियल और लेक्चर्स डिलीवर करके, रिकॉर्ड करके देते जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ वजाहत करना चाहूँगा कि मैं बड़ा सिंपल और हम्बल आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ, और मुझे जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं कि यूट्यूब को और इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए,
उसमें एडिटिंग और बाकी। तो अब एज ए ले मैन मेरी अभी उस तरीके के साथ नहीं है अप्रोच, ना ही मेरी उस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मैं अप्राइज्ड हूँ। बट वट एवर आई नो, आई वॉन्टेड टू एक्सचेंज, आई वॉन्टेड टू डिलीवर, आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट। मैं अपने लोगों को वो बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा HR के प्रोफेशन के हवाले से और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हवाले से, उसके अंदर कुछ मोटिवेशनल टॉक और मस्बत रुझानात को उजागर करने के लिए मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी आएगा लेक्चर या वीडियो, उस पर डिटेल से बात होगी। ये सिर्फ एक उस पहली वीडियो का फॉलोअप के तौर पे जो मेरे दोस्तों ने सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, उसका एक रिस्पॉन्स था। मैं उन सबका बहुत दिली तौर पर मशहूर जजाकल्ला।